दोस्तों, रोटी बनाते वक्त अगर आप भी करते हैं यह चार गलतियां, तो यह घर को करती हैं बर्बाद और माँ लक्ष्मी चली जाती हैं हमेशा के लिए। कभी भी नहीं टिकता है हाथ में पैसा। तो दोस्तों, रोटी बनाते समय भूल कर भी ना करें यह गलतियां। आइए कौन सी हैं गलतियां हम जान लेते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जो लोग चैनल पर नए आए हैं तो, और बेल आइकन को प्रेस भी कर दें ताकि इसी तरह की वीडियो आप सबसे पहले देख सकें। और वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। रोटी बनाते वक्त हुई ये चार गलतियां, करती हैं घर बर्बाद, नहीं टिकता है पैसा। वास्तुशास्त्र में किचन से संबंधित कई विशेष बातें बताई गई हैं। वास्तु में रोटी बनाने को लेकर भी कुछ नियम बताए गए हैं। रोटी से जुड़े नियमों की अनदेखी करने वाले आर्थिक मोर्चे पर कभी संपन्न नहीं हो पाते हैं। इनके घर में हमेशा दरिद्रता पसरी रहती है। गिनकर रोटियां बनाना, कुछ लोग हमेशा गिनकर रोटियां बनाते हैं, वास्तु में इसे गलत माना गया है। गिनकर रोटी बनाने वाले से लोगों का धन और संपत्ति दोनों पर बुरा प्रभाव पड़ता है। वास्तु के जानकार कहते हैं कि रोटियां बनाते समय उन्हें कभी नहीं गिनना चाहिए, बल्कि हमेशा चार या पाँच रोटियाँ ज़्यादा ही बनानी चाहिए। पहली रोटी का भोग। वास्तुशास्त्र के अनुसार पहली रोटी कभी भी घर के सदस्यों को नहीं देनी चाहिए। यह रोटी हमेशा गाय या कुत्ते को ही देनी चाहिए। अतिथि के लिए रोटी। वास्तु के अनुसार आपके घर में अतिथि के लिए भी रोटी होनी चाहिए। इसके लिए हमेशा दो रोटी ज़्यादा बनाएं। घर पर आया मेहमान भगवान के समान होता है और हिंदू धर्म में भगवान को भोग लगाने की परंपरा है, इसलिए हमेशा दो रोटी ज़्यादा बनाएं। यदि घर में कोई मेहमान नहीं आता है तो ये रोटी कुत्ते, बिल्ली या फिर पशु पक्षियों को खिला दें। इससे माँ अन्नपूर्णा की कृपा भी आप पर बनी रहेगी। बासी आटा और राहु। वास्तुशास्त्र के अनुसार कभी भी बासे आटे की रोटियाँ नहीं खानी चाहिए। बासी रोटी का संबंध राहु से होता है। बासी आटे से बनी रोटी परिवार में कलेश का कारण बनती है। वहीं ताजे आटे से बनी रोटी मंगल ग्रह को मजबूत बनाती है। तो दोस्तों, रोटी बनाते समय भूल कर भी ना करें यह गलतियाँ, इससे होती है धन हानि। दोस्तों, धन हानि से बचने के लिए मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। और जिसको दोस्तों धन हानि से बचने के लिए वीडियो की लिंक चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में यस लिखकर ज़रूर भेजें। जय माता दी।